हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन की, राइट? इससे पहले हम लोगों ने आगे बहुत सारे प्रोजेक्शन कवर अप कर चुके हैं, सो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी प्लेलिस्ट का। गाइज, जाइए और सारी वीडियोज को एक बार वॉच करिए। सो हम लोग न्यूमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन को एक क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि क्वेश्चन हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ अ न्यूमोनिक प्रोजेक्शन, या फिर कह सकते हैं न्यूमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन ऑन आरएफ। आरएफ कितना दिया है? 1:225 और 6:0, ठीक है? और सीआई हमारा क्लास इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है? अंतराल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सीआई हमें क्लास इंटरवल हमें 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक? और इसमें दिया हुआ है हमें लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है? हमें कितना लैटिट्यूड बनाना है? 30 डिग्री से 90 डिग्री तक हमें लैटिट्यूड बनाना है। ध्यान से देखिए, जेनिथल है तो ऊपर ये जो पॉइंट होगा ये 90 डिग्री होगा, फिर ये जो गोले होंगे ये क्या होंगे? हमारे लैटिट्यूड होंगे, ठीक है? फिर जो ये जो लाइन्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। समझ आ गई ये बात? ये जो ये वाली लाइन है ये लैटिट्यूड है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है। समझ आ गया? सबसे पहला स्टेप, इसे भी हम लोग स्टेप में करेंगे जैसे हर वीडियो को हम लोग करते हैं। तो स्टेप वन क्या है? जैसे मैं S1 लिख रही हूँ, स्टेप वन है हमारा रेडियस का कैलकुलेशन, दैट इज आर का कैलकुलेशन। आर इज इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना है? 6, 3, 5 और 6/0, राइट? और उसके बाद बिना सोचे समझे आंखें बंद कर जितना भी आरएफ दिया है उससे उसे डिवाइड कर दीजिए। आरएफ हमें कितना दिया है? 225 और 6/0, राइट? सॉल्व करने पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, वो होगा 2.82 सेंटीमीटर, ठीक है? रेडियस हमें कितना मिला? 2.82 सेंटीमीटर, ठीक है? हम लोग इसी रेडियस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे अपने न्यूमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन को। सो गाइज, मैंने फ्रेश पेज पे यहाँ पर रेडियस का जो हमारा कैलकुलेशन करने पे जो हमें रेडियस मिला था उसे लिख लिया है, और हमने जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है मैंने उसे लिख लिया है। 30 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक हमें दिखाना है, ठीक है? स्टेप टू में सबसे पहला काम जो होगा, रेडियस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक 2.82 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2.82, तो 2.82 तो हो नहीं सकता, देन हम लोग क्या करेंगे? 2.8 की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रखा हमने स्केल एंड 2.8, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये 2.8 है, राइट? सो हम लोगों ने क्या किया, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 2.82 सेंटीमीटर की लाइन है ये, ठीक? अगला हमें करना ये है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से। मैं इसे नंबर दे दे रही हूँ ए बी। ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो जैसा हम लोग हर बार करते हैं, अपने प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट ए पॉइंट पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री बना लेंगे। हमने क्या किया, आगे जाके इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जैसे हम हर बार करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2.82 है कि डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? कंपास पे मेजर करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने मेजर कर ली सिंपली, ठीक है? तो मैं ए पॉइंट पे रखूंगी और क्या करूंगी, आर्क लगा दूंगी, या फिर कह लीजिए क्वाड्रेंट बना दूंगी, या मैंने आर्क लगा ली, आप लोगों को साफ साफ दिख भी रहा होगा ये, ठीक? ये काम हम लोगों ने कर लिया, जैसा कि हम लोग बेसिकली हर में करते आ रहे हैं, ठीक? उसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा? हमारा काम होगा, याद रखिएगा, ये मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया कि ये जो एंगल्स वाली लाइन होती है वो हमें क्या बताती है? लैटिट्यूड बताती है, ठीक है? तो हमें इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देना है, सो हम लोग लैटिट्यूड हमें यहाँ पे गिवेन है कि हमें कितना दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमें 30 डिग्री से 90 डिग्री तक जाना है। जैसे कि आप लोग जानती हैं ये लाइन खींची है, दैट मींस कि ये 90 डिग्री होगा, मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, 90 डिग्री होगा ये लाइन, ठीक? और अब हमें क्या है, 30 डिग्री और क्लास इंटरवल, क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने ना, अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्लास इंटरवल, नहीं तो आप लोग वीडियो को बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, हमें क्लास इंटरवल कितना गिवन है? 20 डिग्री
20 डिग्री गिवेन है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत हमें 30 डिग्री से करनी है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को रखा हमने, 30 डिग्री हमने बनाया, आर्क लगाया। एक और चीज, हमें 30 से 90 जाना है, क्लास इंटरवल 20-20 का है, सो 30 डिग्री बनाएंगे सबसे पहला, क्योंकि हमें 30 से शुरुआत करनी है, फिर 30 में 20 और ऐड करिए, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। देन 50 में और ऐड करिए, 70 हो जाएगा, 70 में 20 और ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। सो हमें इसी तरीके से बनाना है, तो 30 मैंने यहाँ बना लिया है, अब हमें कितना लगाना है, 50 पे आर्क लगाना है, पॉइंट लगाना है 50, उसके बाद फिर 70, तो यहाँ पे करिए 70, फिर यहाँ पे क्या करिए 90, जो कि हमारा देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए, इन सारे पॉइंट्स को ए पॉइंट से मिला देंगे, राइट, ऐसे करके, ठीक है। इन लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा खींचिएगा, मैं क्यों कह रही हूं ये बात, वो भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, ठीक। इतना काम कर लिया, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ये जो है ये 30 डिग्री का है, ये कितने का है, 50 डिग्री का है, ये कितने का है, 70 डिग्री का है, और ये जितना एंगल बच रहा है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। समझ आ गया आप लोगों को, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है, रुकिए एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा रब कर दूं, ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है इसे रब कर देते हैं। तो गाइस इतना हम लोगों ने, मैंने यहाँ 90 रिमूव कर लिया, मिटा लिया, इरेज कर दिया है, ठीक है। अब अगला हमारा क्या होगा, हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम कर देते हैं, जैसे कि ये बी है, इसे सी कर देते हैं, डी कर देते हैं, ई कर देते हैं, एंड एफ कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे एफ कर देते हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ पॉइंट है, जो कि ये वाला है, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैंने रखा प्रोटेक्टर, ये वाला जो पॉइंट है प्रोटेक्टर का, ये मैं एफ पॉइंट पे रखूंगी, ये वाला, राइट, यहाँ पे रखा सीधे, और मैंने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री को, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री को मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लाइन खींच दूंगी, ये देखिए मैंने ये लाइन खींच दी, दिख रहा है। अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इन्हें रिमूव कर लीजिए, हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, राइट। सो एक्स्ट्रा लाइंस को मैं क्या कर दे रही हूँ, रिमूव कर दे रही हूँ, राइट, रिमूव हो गई है सारी लाइंस। अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन जो मुद्दा आता है वो आता है ये लाइन इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग, जैसे ये सी है, इसको सी डैश नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो 50 डिग्री वाली लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, इसे मैंने डी डैश नाम दे दिया, ये है ये ई पॉइंट है, ये यहाँ पे ई डैश नाम दे दिया, ठीक है, और एफ तो हमारा एफ ही रहेगा, ठीक। ये जो था यहाँ पर, इतना करते ही हमारा जो स्टेप टू है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो मेन जो जेनिथल जो प्रोजेक्शन बनता है हम उसे बनाएंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं और स्टेप थ्री की तरफ बढ़ते हैं। गाइज यहाँ मैंने स्टेप थ्री लिख लिया है, स्टेप थ्री को बनाने के लिए जो सबसे पहला काम हमें वो करना है, वो है कि हमें एफ और सी की डिस्टेंस को मेजर करना है, क्योंकि हमें जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है हमारा, वो हमें 30 डिग्री से 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो लाइन है वो 30 डिग्री की है। सो हम लोग एफ से सी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे अपने कंपास पे, राइट। तो ये रखा मैंने कंपास यहाँ पर सी पॉइंट पे, और ये एफ, राइट, देख रहे होंगे आप लोग इक्वलर डिस्टेंस। अब हम लोगों को क्या करना है, थर्ड ना, हम लोग नीचे थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। किसी भी एक प्लेस को चूज कर लीजिए, ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखा, और क्या किया हमने, एक सर्कल फॉर्म कर ली। तो ये सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो होता है ये हमारा पोल होगा, ठीक है। इसे पी लिख दो छोटा सा अपनी कन्वीनियंट के लिए, तो पी है, ये हमारा पोल पॉइंट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये जो है ये 30 डिग्री का हम लोगों ने मार्क कर लिया है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे 30 से ऊपर की ओर पोल की तरफ, तो वो 30 होगा और वैल्यू बढ़ती जाएगी लैटिट्यूड्स की 30 से 90 तक, ठीक है। अब हम लोग दोबारा स्टेप टू में जानते हैं। स्टेप टू में अब हम लोगों ने क्या, 30 डिग्री ले लिया है, अब हमारा क्या बचता है, 50 डिग्री, क्योंकि क्लास इंटरवल 20 का है, इसलिए 30 के बाद 20, 30 में 20 ऐड करिए 50,
तो हम लोग एफ से लेकर डी डैश, डी डैश ये 50 वाली लाइन है, डी डैश किया मेजरमेंट लेंगे वो भी कंपास पे। सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैंने मेजरमेंट ले लिया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे और क्या करें, तो हम लोग सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे सर्कल बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसी तरह हम लोग सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा लाइट लाइट बना रही हूँ। देखिए सर्कल बन गया, ठीक है। ये जो सर्कल है, जैसे फर्स्ट वाला हमारा 30 डिग्री का था, ये हमारा कितने का है, 50 डिग्री का है। वेरी गुड। सो 50 डिग्री का है, मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ 50 डिग्री, ताकि हम भूले ना 30 डिग्री 50 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को दोबारा से स्टेप टू की तरफ जाना है और 50 के बाद हमें क्या करना है, 70 डिग्री का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। 70 डिग्री का मेजरमेंट लिया है, एफ और ई डैश का मेजरमेंट लिया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ई है, तो ई डैश का मेजरमेंट, ये देखिए कंपास पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने ई डैश का मेजरमेंट लिया है, ठीक। मेजरमेंट लेने के बाद फिर से हम स्टेप थ्री की तरफ आएंगे, जो कि जिसमें हम लोग अपना प्रोजेक्शन बना रहे थे। पी पॉइंट पे हम लोग कंपास रखेंगे और फिर से क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको आराम से बनाइएगा, राइट। ये देखिए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये जो सर्कल है ये वाला, ये हमारा 70 डिग्री का है। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे नहीं, क्योंकि जो पोल है, सपोज ये पॉइंट है, ये 90 डिग्री खुद ही है। जैसे हम लोग स्टेप टू में एक बार फिर से चलते हैं, स्टेप टू में ये जो 90 है, ये पॉइंट खुद ही है, ऊपर टॉप पॉइंट है। फिर हमने इसको ऐसे 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 करके सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक। सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। सो मैं इसे रब कर दे रही हूँ, इसे लास्ट में मैं लिख दूंगी 70 50, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, राइट। इसे रब कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। स्ट्रेट लाइन मैंने लिया कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर, और मैंने क्या किया उसकी हेल्प से, स्ट्रेट लाइन जो कि पी पॉइंट को टच करते हुए गुजरेगी, ठीक। अब खुद बताइए आप लोग, जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड में 180 डिग्री और इस साइड में 180 डिग्री बनाएंगे, टोटल कितना होगा 360। सो इसीलिए हमें क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड्स नहीं गिवन थे, राइट। और इसे हम क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, कैसे, अब वो आप लोग देख लीजिए जरा, कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट पे रखा, ये हमारा क्या है 0 डिग्री, ये क्या है हमारा 180 डिग्री, ठीक। हमें 20 20 का क्लास इंटरवल गिवन है, सो हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे फिंगर रखी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 है 20, उसके बाद 20, बिकॉज 20 20 का क्लास इंटरवल है। 20 के बाद 20 और ऐड करिए 40, 40 और ऐड करिए 60, 60 और ऐड करिए 60 में 20 और ऐड करिए 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120, 120 के बाद 140, फिर 160, देन 180, ये हमने कर लिया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग लाइन अटैच करने से पहले इस साइड भी यही चीज को कर लेते हैं। पी पॉइंट पे रखा ऐसे, नाउ ये क्या, ये 0 डिग्री है, यहाँ देखिएगा इसको सीधा कर रखिएगा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या करना है, ये 0 है, फिर कितना 20, फिर 40, 20 में ऐड 20 ऐड करिए, क्योंकि 20 इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल 20 का गिवन है। 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, देन 20 ऐड करा तो 180, ठीक है। यहाँ पे हमारे 360 डिग्री कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल से सारे पॉइंट्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट को अटैच मैंने यहाँ पे बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि आप लोग इसको ध्यान से करके बनाइएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे बाहर निकाला है, अदरवाइज आप लोग इसे बाहर मत निकालिएगा, राइट। सो हम लोग एक एक करके इसलिए बनाते हैं आसानी से, जैसे ये है इस पॉइंट पर अटैच। गाइज मैंने सारी लाइंस बना ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया था 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिया था 180, सिंपली ऐसे लिखिए आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20 20 का क्लास इंटरवल, तो 20 20 का डिवीजन करते चलिए, 0 फिर आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 40, फिर कितना आ जाएगा 60, फिर कितना आ जाएगा 80 डिग्री, उसके बाद कितना आ जाएगा 100 डिग्री, उसके बाद कितना आ जाएगा
यहाँ पर 120 डिग्री, उसके बाद कितना आ जाएगा 140 डिग्री, उसके बाद कितना आ जाएगा 160 डिग्री, राइट। यहाँ पे हम लोगों का हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे कितना 20 डिग्री, 40 डिग्री, फिर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर हो जाएगा 120 डिग्री, फिर 140 डिग्री, फिर हो जाएगा हमारा 160 डिग्री और ये 180 डिग्री। हमारा 360 डिग्री का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एक सर्कल, ठीक है। इतनी बात था, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हमने लॉन्गिट्यूड्स बताए, अब हम लोग लैटिट्यूड्स लिखेंगे। लैटिट्यूड कैसे लिखेंगे, जो ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये कितने का है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट ये कितने का है 90 डिग्री, आई होप थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद वाला कौन सा है, उसके बाद वाली ये वाली लाइन है, ये जो छोटा सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये कितने का है हमारा, ये है हमारा 70 डिग्री का, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। फिर अगली वाली कौन सी है, 50 डिग्री की। फिर ये अगली वाली कौन सी है, 30 डिग्री की, बिल्कुल सही, ठीक है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 30, फिर ये 50, फिर ये 70 और 90, राइट। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, कि हमें लैटिट्यूड दिखाना है 30 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो हमने यहाँ 30 से बनाया और 30, 50, वो भी क्लास इंटरवल 20 डिग्री का। तो हमने 30 से शुरुआत करी और हम लोग 90 तक गए 20-20 के क्लास इंटरवल में। सो ये हमारा था न्यूमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, बट अगर फिर भी कोई कंसेप्ट ना समझ आया हो, या कोई क्वेरी हो, या कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ask2studyextent@gmail.com, जो कि आपको भी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। सो प्लीज अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के साथ साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।